हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकडेक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं अपने फ़ोन को क्विक चार्ज कैसे कर सकते हैं बिना क्विक चार्जर के। और दोस्तों, इसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा बैटरी की कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखना और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्विक चार्जिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमें आना है फ्लाइट मोड पे। अगर आपने सुना होगा, अगर हम फ्लाइट मोड पे लगा दें तो आपके फ़ोन में कॉल वगैरह नहीं आती, पर जो फ़ोन का जो आधे से ज़्यादा काम होता है यानी 30-40% का जो काम होता है वो कॉलिंग से रिलेटेड होता है। अगर आप फ्लाइट मोड पे लगा के अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएं तो 30-40% आपका जो रनिंग में प्रोसेस रुक जाएंगे। तो जब भी आप फ़ोन चार्जिंग पे लगाएंगे तो उनमें बैटरी ना लग के आपकी बैटरी में स्टोर होगी, मतलब जो उसमें चार्जिंग होगी वो उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं तो आपको पता ही, फिर सारे प्रोसेस बंद हो जाएंगे, फ़ोन ही बंद हो जाएगा। तो उसका वो तो और भी जल्दी चार्ज होगा। अगर हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके चार्ज करेंगे तो और भी जल्दी चार्ज होगा, अगर आप एक बार ट्राई करना। और उसकी जो बैटरी होगी वो भी काफ़ी चलेगी, जो आप ऑन करके चार्ज करेंगे और जो आप ऑफ करके चार्ज करेंगे, दोनों में अंतर देखना, दोनों की बैटरी में बहुत फ़र्क आएगा। दोनों अगर आप एक साथ यूज़ करेंगे बहुत फ़र्क आएगा। ठीक है, अब चलते हैं बैटरी की कुछ ऐसी बातें जो आपको मेरे हिसाब से नहीं पता होंगी। बैटरी को जो ये अब की बैटरी आ रही है, अब की क्या होती है, जो ये बैटरी आ रही है ये होती है लिथियम पॉलीमर की। मैंने इसके बारे में पढ़ा था, बहुत पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, मैंने जो इसके बारे में पढ़ा था, लिथियम पॉलीमर की बैटरी होती है अब की ये। इसमें क्या होता है, हमें कभी भी अपने फ़ोन की बैटरी जो अब की बैटरी हो रही है वो कभी 0% पे लानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारा फ़ोन बिल्कुल डेड हो जाता है और जब हम उसे चार्ज करते हैं तो उसे चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और उससे बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो हीट के कारण क्या होता है, जो बैटरी के माइक्रो पार्टिकल होते हैं, जो नीचे पार्टिकल होते हैं उसमें, वो जल जाते हैं, फूक जाते हैं वो। तो इससे हमारी बैटरी की लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। हाँ, आपने सुना होगा कि जो पहले की जो बैटरी होती थी ना, एक बार महीने में या 2-3 दिन में पूरी डिस्चार्ज करके फिर चार्ज करो, वो पहले की बैटरी होती थी। अब की जो बैटरी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी की लिथियम पॉलीमर की बैटरी है, जो अब की बैटरी आती है। अब की बैटरी को 20 से नीचे तो जाने ही नहीं देना चाहिए, उतना उसके लिए बेकार है। और जो क्या होता है, अगर आप अपना फ़ोन रात को भी चार्ज पे लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं आती। जो एडवांस लिथियम पॉलीमर, आप नाम याद रख सकते हैं, लिथियम पॉलीमर की जो बैटरी होती है वो 100% के बाद ऑटोमेटिक कट हो जाता है उनमें, वो 100 के बाद अपने आप चार्ज होती नहीं। और जो पहले की बैटरी होती थी, अगर आप 100% के बाद भी लगाए रखते थे रात को, तो उसकी 2-4 महीने बाद उसकी बैटरी फूल जाती थी। लेकिन अब के फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो अब के फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप अपने फ़ोन को रात को चार्जिंग पर लगाएं तो आपका फ़ोन की बैटरी नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि वो लिथियम पॉलीमर की है, वो 100 के बाद ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। जैसे 100 के बाद ऑटोमेटिक कट हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें जाती नहीं है, फिर इसलिए वो होती नहीं है, फूलती नहीं वो बैटरी। तो इससे बैटरी ख़राब नहीं होगी। अपने फ़ोन की बैटरी को 20% से तो नीचे जाने ही ना दे, 30-40% के बीच में ही आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा सकते हैं। पहले की बैटरी होती थी वो जिन्हें पूरा डिस्चार्ज करके 2-3 बार ऐसे करके बैटरी लाइफ बढ़ती थी, अब नहीं बढ़ती, अब तो डिक्रीज होती है बैटरी लाइफ। जो नॉर्मली बैटरी की लाइफ होती है वो होती है 2-2.5 साल, 2-2.5 साल चलानी चाहिए हमें बैटरी, मैक्सिमम 3 साल चल जाती है बैटरी, पर एक बार तो डाउन होती है कभी ना, हर चीज़ जो आई है वो जाने के लिए ही आई है। ठीक है, तो कभी ना कभी तो वो ख़राब होगी, वो तो आप छोड़ दीजिए, ख़राब तो हो ही जाएगी वो फिर भी। लेकिन बैटरी को नीचे से पूरा डीप चार्ज मत करिए। और अगर आप रात को लगाते हैं, अगर आपके पास 2 चार्जर हैं, एक है फास्ट चार्जर एक है स्लो चार्जर, अगर आप रात को लगाते हैं तो आप स्लो चार्जर से चार्ज करेंगे तो दोनों की बैटरी में फ़र्क आएगा, 15-20% वो ज़्यादा चलेगी जो आप स्लो चार्जर से रात भर चार्ज करेंगे, क्योंकि क्विक चार्जिंग में क्या होता है, क्विक होता है वो, तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाता है। लेकिन कुछ रह जाते हैं उसमें जो चार्ज नहीं हो पाते, कुछ जो पार्टिकल होते हैं वो चार्ज नहीं हो पाते, तो इस वजह से वो रह जाता है। ठीक है, अगर आप स्लो चार्जिंग से करते हैं तो स्लो से सारे पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, सारे पार्टिकल जब चार्ज हो जाते हैं तो वो बैटरी लाइफ जाहिर सी बात है ज़्यादा चलेगी। देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिथियम पॉलीमर का ये पूरा स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं, 40% मोर चार्जिंग कैपेबिलिटी देन अदर बैटरी नेमली वगैरह, जो आप बढ़ के ही देख लेना, आप अपने तो नेट पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके बाद और क्या बताऊँ, अगर बैटरी के बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट कर दो, मैं उसका जब भी रिप्लाई दूंगा, जब 24 घंटे के अंदर, क्या पता
ठीक है, 24 घंटे के अंदर मैं जब भी रिप्लाई कर दूंगा आपकी उस प्रॉब्लम का कि उसका सॉल्यूशन क्या है या फिर इसका सवाल क्या है, जो भी आपको करना हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी नहीं करोगे तो मुझे पता है, तो लाइक तो करते चले जाना, ठीक है, सब्सक्राइब भी मत करना तो लाइक तो ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।